हेलो बच्चों, हाउ आर यू बच्चों। मैं चंद्र बोझा और आपके साथ आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, जैसे कि आप जानते भी हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिल्कुल है, बट एक्चुअल में इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो सभी के सभी टर्म्स अकाउंट से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं। राइट, वही सब कुछ, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग। राइट, तो मतलब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज के क्लास के अंदर बेसिकली कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं बल्कि अकाउंटेंसी से, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। राइट, तो कुछ कुछ आपको लगेगा ऐसा इस चैप्टर के अंदर कि आप जो है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा आपको फील होगा। राइट, इनफैक्ट हो सकता है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं अकाउंट्स में कहीं पहले पढ़ा भी होगा, तो आपके सब कुछ यहाँ पर रिवाइज होगा। राइट, हाँ, तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते ही क्यों है? व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? राइट, नो डाउट बच्चों ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अकाउंट में पहले कर चुके होंगे, बट सर बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये समझाने की कोशिश करूं हाउ, व्हाई एंड हाउ। राइट, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम लोग आपके पुराने मेथड से रखा हुआ मेथड ना सीखें, हम लोग रीजन के साथ, एनालिसिस के साथ ये सीखें कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये हम जो कैसे कर रहे हैं वो कैसे डेवलप हो गया। राइट, तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते ही क्यों है? अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स में टैक्स से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड आप जो है ऑलरेडी कैश अकाउंट बनाते थे। राइट, अगर आपको कहा जाता है कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, तो जो कैश अकाउंट तो हर कंपनी फॉर्म करती ही करती है, और कैश अकाउंट में करती क्या है, इन कैश अकाउंट में डेबिट साइड में सभी के सभी क्या लिख देती है, रिसिप्ट। और ये सारी रिसिप्ट होती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में की हुई है। राइट, और राइट हैंड साइड में क्या लिख देती है, ऑल दी पेमेंट्स। भी रिसीप्ट एंड पेमेंट्स हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वो तो ऑलरेडी वो कैश अकाउंट में लिख ही रही है। तो मन में सवाल आता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से क्यों बनाते हैं जब हम कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैश में लिख देते हैं। राइट, तो मैं फिर से बच्चों आपसे पूछूं कि एक्चुअल में ये है क्या? राइट, तो ये है क्या, व्हाट डू मीन दिस? सो दिस इज ए समरी, दिस इज ए समरी फॉर कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ सिर्फ कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस की क्या है बच्चों, समरी है। पर क्वेश्चन ये है, जब ये समरी की बात हो गई तो कैश अकाउंट भी तो एक समरी है। ये टी फॉर्मेट में है और ये जो आप लिखन बनाने वाले हैं वो टी फॉर्मेट में नहीं होगा बल्कि वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन बदलने के लिए हमने कैश अकाउंट की जगह पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया? अगर नहीं तो क्यों, थोड़ा सोचिए। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड जरूर दीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं अपने घर में बैठकर, अपने वहां अपने दूसरी साइड बैठकर मुझे दे रहा है। आप कह रहे होंगे, हाँ जी, आप कह रहे होंगे कि सर कैश अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हमें बैलेंस सीडी बदल जाए। नहीं, बिजनेस में एक्चुअल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का पता लगाना चाहिए। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कैश अकाउंट है ये भी तो बिजनेस के ही एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है। जब बिजनेस के ये ही कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, जब आप एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं, यही काम आप क्या दोबारा करना चाहेंगे? क्या हम एक ही वर्किंग को बार 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 करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। राइट, कुछ और? हाँ बिल्कुल, आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मैंडेटरी है। राइट, मैंडेटरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग। AS3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्म करना होगा और अपने शेयर होल्डर्स को शो भी करना होगा, दिखाना होगा। जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट शो करते हैं हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारी हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करके दिखानी है। पर नाउ द क्वेश्चन इज कि AS3 इसको मैंडेटरी करता क्यों है? AS3
कैश अकाउंट को मैंडेटरी क्यों नहीं कर देता? वर्किंग तो अभी भी हमें दो बार करनी पड़ गई। अगर हमें वर्किंग अभी भी दो बार करनी पड़ रही है तो फिर व्हाई वी आर डूइंग दिस वर्किंग अगेन व्हेन वी आर डूइंग द सेम थिंग इन द कैश अकाउंट। चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ते। तो पूछो, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, यकीन मानो कैश अकाउंट में एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर भी हम सभी के सभी कैश के इनफ्लोस एंड सभी के सभी आउटफ्लोस को कंसिडर करते थे। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हमें सभी के सभी कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस को ही कंसिडर करना है। बट यहां पर हमें जो कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है इन सिस्टमैटिक मैनर। आई रिपीट, इन सिस्टमैटिक मैनर। यहां पर जो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन हो जाएगा वो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन हमारे कैश अकाउंट के जैसा नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से, यहां पर हमारे कैश अकाउंट में हमने सारे के सारे कैश लिख दिए, चाहे वो हमारे बिजनेस अपग्रेड करते हैं चाहे वो बिजनेस अपग्रेड नहीं करते, राइट। व्हाट आई मीन टू से कि देखो, अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं, हमने सेल्स की है, सेल्स से पैसा आया है तो लिख दिया। अगर हमने डेटर से कलेक्शन किसी की है तो हमने डेबिट में लिख दिया। वेजेस पे की है तो डेबिट में लिख दिया। अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो डेबिट में लिख दिया। अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा रेस किया तो भी कहां लिख दिया, तब भी डेबिट में लिख दिया, राइट। अच्छा, वेजेस आपका कहीं से, इसको आप कह सकते हैं, अगर हमने सैलरी या रेमुनरेशन कुछ रिसीव किया हुआ है, जितनी भी चीजें हमने रिसीव की हैं उन सबको आप कहां लिख देते हैं, डेबिट साइड में, राइट। सर, आप यहां पर ये बिल्कुल कंसर्ट नहीं करते कि जो रिसीट है ये किस तरह से अराइज हो रही है। व्हाट आई मीन टू से, मैंने कहा सर एक कंपनी के अंदर आज के अंदर जो बैलेंस बचा हुआ है टू बैलेंस सीडी का, ये है 50 लाख रुपए का, राइट। इज इट गुड और बैड? दिस इज गुड, राइट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे जो सिचुएशन है ये कंपनी के लिए बहुत डेंजरस वाली हो। कैसे हो सकता है? हो सकता है कि हमारी कंपनी ये 50 लाख का कैश ला रही है वो मशीनरी को बेच के ला रही है, कंपनी जो है बिल्डिंग को बेच रही है, कंपनी जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रही है, कंपनी अपने असेट्स को खाली कर रही है, राइट। तो गुड और बैड? बैड। हमारे बिजनेस में कैश आया है ये अच्छी बात है, पर ये कैश आया कहां से है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। कैश आया ये बता देगा कैश अकाउंट, पर सर कैश कहां से आया है ये हमारा कैश अकाउंट नहीं बताएगा। हमने अपने पूरे के पूरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन को तीन हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3। पहला हिस्सा, हमने कहा कैश हमारे बिजनेस में आ सकता है, कहां से आ सकता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा हिस्सा, हमारी कंपनी में कैश आ सकता है, कहां से आ सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा हिस्सा, हमारी कंपनी में कैश आ सकता है, कहां से आ सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटीज जो कि हमारी कंपनी में कैश इन्फ्लोज लेके आ रही हैं, पर ये जो इन्फ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं ये हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या, अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? वो एक्टिविटीज जहां पर कि गुड्स को सेल किया हो, राइट, या ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो किया हो जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट है, राइट। हाँ, अगर हमने इन एक्टिविटीज के लिए किया है तो वो भी यहां पर कंसिडर होगा, लाइक हमने सैलरी पे की है, वेजेस पे की है, रेंट पे किया है, राइट। अगर कोई खर्चा किया है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड तो भी हम यहां पर कंसिडर करेंगे, राइट। हमारे बिजनेस में दूसरा जो कैश आ सकता है, ये मैंने कहा 1, 2, 3। तो दूसरा जो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ सकता है वो कहां से आ सकता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब हुआ ऐसी एक्टिविटीज जिन प्लेसेस में हम लोग असेट्स को परचेज करते हैं, राइट। लाइक हमने मशीनरी खरीदी तो हमने असेट्स को परचेज किया, हमने बिल्डिंग को बेच दिया, असेट्स को बेचा, तो ये भी हमारी कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटीज जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगी वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। लाइक मैंने कहा जितने भी फिक्स असेट्स हम लोग जनरेट करते हैं वो कौन से एक्टिविटीज में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लाइक मैंने कहा बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, राइट, असेट जितनी भी आपके माइंड में आ रही हैं वो सब कुछ कहां पर आ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ, इन्हीं असेट्स को अगर आपने बेच दिया तो वो भी कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग। कोई भी एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो नहीं होता, बल्कि हमारी इन एक्टिविटीज में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो सकता है। बिजनेस में तीसरे प्लेस पर
जो हमारा कैश आ सकता है वो आ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, राइट। मतलब हमने हमारे बिजनेस को चलाने के लिए एक लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है नहीं, तो ये कहां का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मतलब बैंक लोन लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर से पैसा रेस किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। और अगर इन्हें पैसा वापस कर दिया तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। फाइनेंस मतलब पैसों का लेन देन, उधार लेना और वापस देना, तो इससे रिलेटेड जो भी हिस्सा होगा वो कहां पर चला जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटी में। हमारा कैश अकाउंट सभी के सभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स को तो कंसिडर करता है, बट नहीं कंसिडर करता, ये नहीं बताता कि हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड, हमारे बिजनेस रिलेटेड, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स्ड एसेट्स, एंड फाइनेंसिंग मतलब लोन, पैसा उधार लेना और देना। तो हमारा कैश अकाउंट इन तीन कितना कितना रिलेट करता है ये कैश अकाउंट नहीं बताता, ये एक एक खिचड़ी है। इसके अंदर तो हर रोज के ट्रांजेक्शन को लिख दिया गया है, पर सर हमारा शेयर होल्डर जो है खिचड़ी को समझ नहीं सकता। हमारे शेयर होल्डर को, हमें जो हमारी कंपनी को जो रिपोर्टिंग करनी है, अगर आपने रिलायंस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, राइट, तो इसका मतलब है कि आप रिलायंस कंपनी के क्या हो गए? ओनर्स, मालिक बन गए, राइट। अगर आपने रिलायंस कंपनी के अंदर सपोज एक शेयर लिया हुआ, एक शेयर आज के डेट में 850 रुपए के आसपास का है, तो 850 रुपए में आपने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा तो आप क्या बन गए? ओनर बन गए, राइट। अब ओनर बन गए तो सर आपने रिलायंस कंपनी को चलाने के लिए किसको रखा हुआ है? मुकेश अंबानी जी को, राइट। अब मुकेश अंबानी जी ने हर शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग करनी है, आप तो ओनर हो, आप तो घर बैठे हो, तो उन्होंने जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए वो आपको क्या क्या बताएंगे? बताएंगे कि उन्होंने पूरे साल क्या किया, पूरी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बताएंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका जो बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनका नहीं बल्कि आपका, आप तो ओनर बन गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन्होंने पूरे साल में जो काम किया है उसकी भी रिपोर्टिंग आपको देंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि पूरे साल में उनके आपके बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस की एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो नेट कैश फ्लो एंड आउटफ्लो है वो क्या है, और वो आपको बताएंगे, तो आपको कैश अकाउंट नहीं देंगे, यहां पर तो सब कुछ मिक्सिंग है, वो आपको एक प्रॉपर अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ देंगे, और क्योंकि आप ओनर हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बनती है लेनी, और वो आपको क्या बना के देंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, राइट। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कैश की ही समरी फॉर्म करके देते हैं। हम लोग मतलब कौन? जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे कंपनी की ट्रांजेक्शन को एक समराइज बनाए, पर यह समरी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला इंसान समझ सके कि बिजनेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिजनेस रिलेटेड कितना कैश आ रहा है जा रहा है, बिजनेस में बिजनेस रिलेटेड ना कैश नहीं कैश आ रहा तो इन्वेस्टिंग रिलेटेड कितना, और तो मैं ऐसे लिख देता हूं समरी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन द सिस्टमैटिक मैनर। और सिस्टमैटिक मैनर क्या है? दैट समरी इन फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज में पैसा कहां पर आ रहा है और कहां पर जा रहा है, राइट। राइट बच्चों, और बच्चों एक्टिविटीज में हमने कहा सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो है, हां जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2, हां जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड नंबर 3 क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ, व्हाट डू मीन बाय दिस, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड विद द डेली बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने कहा कि अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट कंपनी, डीएलएफ कंपनी, उसकी रेगुलर एक्टिविटी क्या होगी? सेल एंड परचेज ऑफ फ्लैट्स, तो ये हो गया
नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, अगर मैंने कहा एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी रेगुलर एक्टिविटी क्या होगी, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना, वेट करना, रॉ मेटेरियल खरीदना, पेन को बेचना, मार्केटिंग करना, ये उसकी रेगुलर डेली एक्टिविटीज हैं। तो इन सभी की सभी एक्टिविटीज में जो पैसा आएगा और जाएगा वो कहां लिखा जाएगा, ऑपरेटिंग में, राइट। सो यू कैन से रेगुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अच्छा, तो एक चीज और मुझे बताना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या कंसिडर करेंगे, इनफ्लोज कंसिडर करेंगे या आउटफ्लोज कंसिडर करेंगे, बोथ, बी केयरफुल, बोथ, राइट। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं, वी कंसिडर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। देखो बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर सिर्फ सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया जाए, आपको मैं ये चैप्टर में हर चीज को समझाऊं, ठीक है। तो आपको अगर हो सकता है कि स्टार्टिंग के आधा एक घंटा में आपके आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग समझने में लग जाए, राइट, बट आफ्टर द बेसिक वर्क आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे, राइट। या दूसरा मेरे पास ये काम हो सकता है कि मैं पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बना देता हूं, फॉर्मेट लिख देता हूं कि ये है, ये है, उसमें ये प्लस करो, ये माइनस करो, प्लस ये माइनस करो, उससे प्रोफेशनल चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में एक एक करके बता रहा हूं पहले, उसके बाद फिर हम इसको कंपाइल करेंगे, फिर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। चलिए बच्चों, दिस इज रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग, अब इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। सो एक्टिविटीज रिलेटेड विद जनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स आर कवर्ड हियर, ठीक है। अब जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले डीएलएफ का एग्जांपल दिया, मैंने कहा डीएलएफ कंपनी है फ्लैट परचेज और सेल करती है, राइट, और एक पेन कंपनी है जो कि पेन बनाती है और बेचती है। अब पेन बनाने वाली कंपनी, समझना बच्चों, पेन बनाने वाली कंपनी अगर एक फ्लैट परचेस करे, राइट, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इज इट ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसने फिक्स एसेट जनरेट की है, इंक्रीज की है। पर से अगर डीएलएफ कंपनी ही एक फ्लैट परचेस करे तो अब ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। मीन्स आप ये नहीं कह सकते, नहीं लगा सकते कि फ्लैट परचेस करना जो है हमारा जो है वो हमेशा हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, राइट। तो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी जो होंगी वो ऑपरेटिंग में हिस्सा होंगी, और जो हमारी ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। अगर फिक्स असेट्स को जनरेट कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वो कहां पर आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इज इट क्लियर। अच्छा, अब जो ध्यान कि एक ऐसी कंपनी है जिसने कि किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को परचेस किया, राइट, मैंने कहा रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने टाटा स्टील के कंपनी के शेयर्स परचेस किए, क्या रिलायंस कंपनी ऐसा कर सकती है? यस, कर सकती है, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकती है। अगर रिलायंस कंपनी टाटा स्टील के कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकती करती है तो ये हमारी टाटा स्टील के शेयर्स रिलायंस कंपनी के लिए क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट, क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं तो परचेज ऑफ द शेयर इन द टाटा स्टील कंपनी ये कहां पर कवर होगा, रिलायंस कंपनी के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो में कंसिडर करेंगे, एंड नो डाउट वी विल कंसिडर कैश इनफ्लोज आउटफ्लो, ठीक है। हम यहां पर भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कंसिडर करेंगे जो कि बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के हिस्से से रिलेट करेगा,
राइट। अच्छा मान लो रिलायंस कंपनी ने इसी टाटा स्टील कंपनी के कुछ शेयर्स बेच दिए, सेल आउट कर दिए, राइट। अब ये किस में आएगा? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि फिक्स असेट्स को जनरेट करना एंड डिस्पोज करना दोनों के दोनों इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। लाइक मैंने कहा आपने मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपने मशीनरी बेची तो तब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट डिफरेंस क्या होगा, अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो आउटफ्लो हो गया, और जब मशीनरी बेच रहे हैं तो इनफ्लो हो गया। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं क्या हो गया, आउटफ्लो। अगर शेयर्स को बेच रहे हैं तो क्या हो गया, इनफ्लो। पर सर जो हमारी फिक्स असेट जनरेट हुई या फिक्स असेट वापस डिस्पोज हो, वो रिलेट किससे कर रहा है, इन्वेस्टिंग से कर रहा है। रिलेट तो इन्वेस्टिंग से कर रहा है, फिक्स असेट्स को परचेज करना या डिस्पोज ऑफ करना दोनों के दोनों कहां से रिलेट कर रही है, इन्वेस्टिंग से। अब बच्चों मैंने कहा कि सपोज करो हमारी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, क्या किया, इशू। अब रिलायंस कंपनी ने ही नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए, आप सभी लोगों ने रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, राइट। अब यहां से हमारी रिलायंस कंपनी के पास पैसा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। अब इस इनफ्लो को क्या कहेंगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग आपको कहोगे सर पहले तो आप कह रहे थे कि जब टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टिंग है। यस, अभी भी मैं यही कह रहा हूं, जब इनिशियली हम लोग दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग फंड्स को रेज करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब फंड्स यूटिलाइज करते हैं फिक्स असेट जनरेट होती हैं, और जब फिक्स असेट जनरेट होती हैं तो उनको हम कहां पर कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। और एक बार फिक्स असेट जनरेट हो गई उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहीं पर कंसिडर होंगी। अगर आपने मशीनरी खरीदी और फिर मशीनरी बेच दी तो इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा है। स्टील कंपनी के शेयर खरीदे फिर बेच दिए, खरीदना भी इन्वेस्टिंग और बेचना भी इन्वेस्टिंग, राइट। तो इनिशियल एक्टिविटी फिक्स असेट्स को जनरेट करना था। अगर इनिशियल एक्टिविटी फिक्स असेट्स को जनरेट करना था तो अगर आपने उस असेट्स को बेच दिया है तो भी वो हमारे इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा माना जाएगा, राइट। बट सर रिलायंस कंपनी ने नए शेयर इशू किए, अब रिलायंस कंपनी सबसे इनिशियली फिक्स असेट जनरेट नहीं कर रही है, बल्कि क्या जनरेट कर रही है, इनिशियली फंड्स, पैसा जनरेट कर रही है, राइट। तो इस केस के अंदर हमारी कंपनी ने सबसे पहले इनिशियली कौन सी एक्टिविटी की है, फंड्स को जनरेट करने की, यानी कि इस एक्टिविटी को कहां पर कंसिडर किया जाएगा, फाइनेंसिंग। अगर इनिशियल एक्टिविटी फंड्स को जनरेट करने की है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो बैंक के लोन की फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू करने की फॉर्मेट में हो, चाहे वो इक्विटी शेयर जनरेट, इक्विटी शेयर से पैसा जनरेट, अगर इनिशियल एक्टिविटी फंड्स को जनरेट करने से है तो वो हमारे कौन से हेडिंग में कन्वर्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, राइट। सो बच्चों यहां पर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया जाता है, इनिशियली फंड्स को जनरेट किया जाता है, राइट। और एक बार एक्टिविटी अगर फाइनेंसिंग में आ गई तो उसका जो रिवर्स होता है वो फाइनेंस में ही आएगा। व्हाट आई मीन टू से, हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, राइट। अगर डिबेंचर्स हमारी कंपनी इशू करेगी तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा। तो फंड हुए तो कहां पर आ जाएगा बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, राइट। अब अगर मान लो कुछ समय के बाद इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है, पैसा वापस पे कर दिया जाता है, अब कहां पर आएगा, अभी भी फाइनेंसिंग में आएगा, क्योंकि इनिशियल एक्टिविटी फंड्स को जनरेट करने की थी। अगर इनिशियल एक्टिविटी फंड्स को जनरेट करने की है तो इससे रिलेटेड डिस्पोजल भी फाइनेंसिंग का हिस्सा ही माना जाएगा, राइट। सो वट वी मीन टू से कि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या लिखते हैं, एक्टिविटीज रिलेटेड विद रेजिंग ऑफ फाइनेंस। बच्चों यहां पर जो इनिशियल है वो रेजिंग है, रेजिंग ऑफ फाइनेंस। इनिशियली क्या कर रहे हैं, हम लोग फंड को रेज कर रहे हैं, एंड देयर रिडम्पशन आर कवर्ड। तो बच्चों हमने जो फंड्स को रेज किया है और फंड्स को रिडीम किया है उसको हम कहां कंसिडर करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, राइट। तो बच्चों वी विल कंसिडर
क्या कंसिडर करेंगे यहां पर भी? हाँ जी, कैश इनफ्लोस एंड यहां पर भी बच्चों हम लोग दोनों ही चीजें कंसिडर करेंगे, इनफ्लोस भी कंसिडर करेंगे एंड आउटफ्लोस भी कंसिडर करेंगे, राइट। अच्छा, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन होता है बच्चों का और ये कंफ्यूज करता है, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। एक क्वेश्चन है, सर हमने टाटा रिलायंस कंपनी ने टाटा स्टील के शेयर परचेज किए हुए हैं, राइट, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। अब टाटा स्टील ने कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, रिलायंस कंपनी टाटा स्टील की ओनर है, क्योंकि ओनर है, क्योंकि शेयर परचेज कर लिए, राइट। अब टाटा स्टील ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड इक्विटी शेयर पर इशू हर साल पे किया जाता है, तो रिलायंस कंपनी को डिविडेंड रिसीव होगा, राइट। तो डिविडेंड जो रिसीव होगा वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का? सोचिए क्या, या फिर ऑपरेटिंग का होगा? ऑपरेटिंग का तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑपरेटिंग का बिल्कुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिलायंस का जो मेन काम है वो है ऑयल को मैन्युफैक्चरिंग करने का, मतलब को एक्सट्रैक्ट करने का है, ऑयल निकालती है, राइट। उसके अलावा ऑयल के अलावा उसके और भी काम है, पर सर रिलायंस कंपनी का मेन बिजनेस डिविडेंड रिसीव करने का तो नहीं है, राइट। तो पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं है, राइट। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकता है क्या? फाइनेंसिंग भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनिशियली हमारी रिलायंस ने फंड्स जनरेट नहीं किए हैं, इनिशियली हमारी रिलायंस कंपनी ने टाटा स्टील के शेयर जब परचेज किए हैं तो में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट अगर किया हुआ है, मतलब एक असेट जनरेट की है, अगर टाटा स्टील के शेयर परचेज करके एक असेट जनरेट हो जाती है तो इनिशियली हमारा जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनती है। तो अब अगर टाटा स्टील कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो जितने भी चीजें इस फिक्स से रिलेटेड होंगी वो इस इन्वेस्टिंग का ही पार्ट माना जाएगा। आई रिपीट अगेन मैंने कहा रिलायंस कंपनी ने परचेज किए कौन सी कंपनी के शेयर्स? टाटा स्टील। ऐसे में नाम ले रहा हूं बच्चों, इसका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस ये समझने के लिए। रिलायंस कंपनी ने टाटा स्टील के शेयर्स परचेज किए हैं, इसके बदले में हमारी टाटा स्टील जो है रिलायंस को क्या पे कर रही है? डिविडेंड, राइट। अब डिविडेंड रिसीव कर रही है, डिविडेंड क्या रिलायंस कंपनी के लिए? इनफ्लो है, आउटफ्लो है? इनफ्लो है, क्योंकि ये डिविडेंड इन शेयर्स के रिस्पेक्ट से है और ये शेयर्स ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड जो डिविडेंड का अमाउंट होगा वो भी हमारे कौन सी हेडिंग में कवर्ड होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इज इट क्लियर? सपोज करो कि रिलायंस कंपनी जो है वो भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। नो डाउट रिलायंस कंपनी है, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। अगर अब रिलायंस कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो ये डिविडेंड हमारे रिलायंस के लिए क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो होगा, राइट। पर सर नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कैश आउटफ्लो होगा ये कहां पर कवर्ड होगा? ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा या ऑपरेटिंग का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। अच्छा, ऑपरेटिंग का तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा ये रेगुलर बिजनेस तो है नहीं, राइट। तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा क्योंकि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो फिक्स असेट्स के रिस्पेक्ट से नहीं किया गया है, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो जो पैसा रेस किया था उसके बदले भी गया, जो पैसा रेस किया था उसके बदले भी गया, जो फंड्स हमारी रिलायंस कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इश्यू करके रेस किए हुए हैं उस अमाउंट के रिस्पेक्ट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसलिए हम लोग इस डिविडेंड के अमाउंट को रिलायंस कंपनी के लिए कहां मानेंगे? फाइनेंसिंग का पार्ट। और इनफ्लो या आउटफ्लो? रिलायंस के लिए आउट हो जाएगा, राइट। तो बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा हर कंपनी के लिए कि वो एक्टिविटीज किस जगह पर कंसिडर होती है। तो जनरली इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड थोड़ा सोचो, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड ये किस लिए पे किया जा रहा होगा? फंड्स रेज के बदले में, है ना। ये जो डिविडेंड है ये क्या किया गया है? पेड। और डिविडेंड पे हो या इंटरेस्ट पे हो,
तो इंटरेस्ट भी अगर पे किया जाएगा तो वो किस लिए पे किया जाएगा, क्योंकि रिलायंस कंपनी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में पैसा उधार दिया हुआ है। सो उधारी के बदले में अगर इंटरेस्ट पे करते हैं या उधारी के बदले में अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो ये उधारी के बदले में जितने भी चीजें हैं वो किस वाले हिस्से में आएंगे, फाइनेंसिंग। सो जब भी डिविडेंड पेड हो या इंटरेस्ट पेड हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है एंड नो डाउट उसको हम कैश आउटफ्लो की फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे, राइट। अगर डिविडेंड रिसीव्ड है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, थोड़ा सोच के देखो कोई भी कंपनी इंटरेस्ट या डिविडेंड कब रिसीव करेगी, जब उसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं या दूसरी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, अदरवाइज तो कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर पहले से इनिशियली आपने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके बदले में डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस इंटरेस्ट या डिविडेंड को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। सो बच्चों ध्यान रखना होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड विल बी कंसिडर एज, यस प्लीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट, और डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी कंसिडर एज फाइनेंस। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, पैसा पे किया जाएगा तो किस रिस्पेक्ट से पे किया जाएगा, फंड्स के रेज के बदले में, और पैसा रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा तो किसके बदले में रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट के बदले में, राइट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आई थिंक फाइन, राइट। अब जो हमारे कैश फ्लो के बेसिकली दो फॉर्मेट है, मैं आपको दो फॉर्मेट बता रहा हूं, हालांकि फॉर्मेट तो एक ही होता है AS3 के अकॉर्डिंग, बट उसके बावजूद भी मैं आपको एक छोटा सा कर्व बता रहा हूं, राइट। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं ध्यान से सोचू, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट द समरी फॉर कैश इनफ्लोज एंड, सिंपल सी बात। अगर मैं आपको कहूं कि आपको मैंने एक दुकान के बाहर बिठा दिया है और ये बोल दिया है कि बताओ बच्चों कि इस दुकान में कितना पैसा आया और गया, तो आप दुकान के बैठे हुए हैं तो सिंपल क्या करेंगे, पैसा आएगा तो नोट कर लेंगे, पैसा जाएगा तो नोट कर देंगे। बट सर पैसे की नोटिंग तो जरूर करनी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो जरूर करना है, साथ ही साथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक कैटेगरी बना के करना है कि वो पैसा ऑपरेटिंग से रिलेटेड आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है या इन्वेस्टिंग। तो जिस वाले हेडिंग में आएगा उस हेडिंग में हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे, राइट। पर क्या कैश अकाउंट में ऐसा होता है? नहीं, कैश अकाउंट में ऐसी कोई हेडिंग नहीं बनाई जाती है, इसलिए हम कैश अकाउंट को हम लोग शेयर होल्डर्स को प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, क्योंकि समझना भी बड़ा मुश्किल है। बट उसी को हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर में समराइज कर देते हैं ताकि शेयर होल्डर्स इन सब चीजों को बहुत अच्छा आसानी से समझ सकें, राइट। सो लेट अस प्रोसीड, हमने कहा हम एक छोटा सा समराइजेशन कर रहे हैं, करना तो हमें यही है बट इसी को एक और अच्छे फॉर्मेट में करना है। लेट अस टॉक अबाउट, बच्चों देखो हमें बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और बच्चों फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं कहूंगा कि फॉर्म करते हैं तो हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू राइट ओनली थ्री एक्टिविटीज, क्या क्या, नंबर वन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद कैश फ्रॉम, सॉरी पहले हम इन्वेस्टिंग लिखते हैं, उसके बाद फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद ये जो नेट बैलेंस होता है इसमें हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। और इसके बाद लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट।
तो जो ये फॉर्मेट है हमारा बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म करने का, राइट। अब देखो समझो कि अगर मैं कहता हूं कि किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का कैश है तो क्या कहते हो, इज इट गुड और बैड? अभी मैं एनालिसिस पोर्शन पे ही हूं, मैंने कहा ये हमारी कंपनी वन है, राइट। सो लग तो ये रहा है कि बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो इसमें हमने ओपनिंग कैश भी प्लस कर दिया। ये अच्छा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो कैश बैलेंस ही होगा। कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें, वो आइटम्स जो कि कैश के बराबर है, इक्वल। लाइक मैंने कहा बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है आपका कैश तो नहीं है, कैश बैलेंस तो नहीं है, बट क्या है? कैश के बराबर ही है, राइट। मैंने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, आपने बैंक के अंदर एक एफडी करवाई हुई है, राइट। अब एफडी जो करवाई हुई है वो कैश तो नहीं है, आपको जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फिर से? इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने कहा बच्चों इन तीनों के एक्टिविटीज हमारे पूरे साल में हो चुकी है, उसका जो समराइजेशन है उसका 10 लाख रुपए का अमाउंट कैश है, राइट। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, इसका मतलब क्लोज बैलेंस कितना हो गया? 12 लाख। गुड और बैड? अभी तक तो गुड है ना, क्योंकि होता तो यही है, आप जब गुड बोलेंगे तो बैड आएगा और बैड बोलेंगे तो गुड आएगा, राइट। तो मैंने कहा ये 10 लाख है। अब देखो मैं दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और इस इंफॉर्मेशन से अब आप बता सकते हो कि एक्चुअल में गुड है या बैड है। कैसे? हमने कहा इस कंपनी वन ने 100 लाख रुपीज जो है प्लस पैसे कहां से आए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अच्छा, इसके अलावा इस कंपनी ने जो है 120 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टिंग करेंगे तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा, राइट। और बाकी जो शॉर्टेज है 20 लाख की, वो यहां से आएगी। 120 लाख नहीं, 30 लाख। देखो नेट 10 लाख बच रहा है या नहीं? 10 लाख बच रहा है। सो बिजनेस एक्टिविटी 30 लाख आए, बिजनेस ऑपरेशन से 30 लाख आए और हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया 120 लाख का, और पैसा कहां से आ गया? बाकी इतने बच गए, ओपनिंग इतना था और क्लोजिंग इतना। देखो अब हमें पूरा आइडिया लग रहा है कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस कितना है, कंपनी के बिजनेस में एक्चुअली इनफ्लोस कितने हैं, राइट। अब अगर मैं पूछूं एक और कंपनी के बारे में बोलूं, मैंने कहा इस कंपनी में भी 120 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट हुई। इसके अलावा यहां पर लॉस आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, सपोज करो ये 30 लाख, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने इसमें 160 लाख का कंट्रीब्यूट किया, और बैलेंस इज 10 लाख। देखो इसका बैलेंस भी 10 लाख, अच्छा ओपनिंग भी 2 लाख और क्लोजिंग अभी 10 लाख। हाँ जी, हो सकता है कि कंपनी वन और कंपनी टू भी सेम प्रॉफिट शो कर रही हूं शेयर होल्डर्स को, नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट तो बहुत सारी अजम्पशन पे बेस्ड होता है, एक्रुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बट जो कैश की एक्टिविटीज हैं वो कैश एक्टिविटीज। देखो दोनों सिचुएशन में मैंने आपको 10 लाख का बैलेंस दे दिया तीनों एक्टिविटी का सम, राइट, और साथ ही साथ ओपनिंग भी सेम दे दिया, क्लोजिंग भी सेम आ गया, तो उसके बावजूद आप क्या कहते हो कंपनी वन अच्छी है या कंपनी टू अच्छी है? कंपनी टू में बिजनेस एक्टिविटीज से तो पैसा आया ही नहीं, बल्कि पैसा और जेब से लग गया। कंपनी वन में बिजनेस एक्टिविटी से 30 लाख आए, पर कंपनी टू में तो 30 लाख रुपए अपनी जेब से लग गए, राइट। उसके बाद 120 लाख रुपए हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, मतलब कंपनी ने सारा पैसा कहां से ले लिया? मतलब पैसा उधार लो, बिजनेस में लॉस करो, मतलब तो यही है, राइट। पर सर अगर हम लोग ये समरी प्रोवाइड नहीं करते और हम शेयर होल्डर्स को एक कैश अकाउंट बना देते, तो उस कैश अकाउंट के अंदर हमारा शेयर होल्डर बिल्कुल भी ये नहीं समझ पाता कि एक्चुअल में ये 10 लाख आया कैसे है, कि बिजनेस से रिलेटेड पैसा आया है या नहीं, तो बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट है, तो ये तो हम लोग समझ ही नहीं पाते, राइट। सो ये जो समरी है, ये समरी हमारे शेयर होल्डर्स को देना बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट। तो जो इसके ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग आपके साथ सीखेंगे दैट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।